मैं नगर कौंसल का जवाब मीडिया वाले जेडे है बेहतर ढंग प्रधान जी इस बैटर पोजिशन चाह भी हूं तक जो प्रोसैस पिया फंड उन्होंने क्यों नहीं जारी करता यह प्रधान जी नगर कौंसल के वधिया ढंग जवाब दे सकते और कितना डिस्ट्रीब्यूट किया नगर कौंसल का जो आरटीआई का रिकॉर्ड है उस मुताबिक अज की तरीक तक नगर कौंसल को तकरीबन 25 लाख तो उपर की अमाउंट है पर आरटीआई रिकॉर्ड का उन्होंने अज तक किसी भी गौशाला कोई भी पैसा जारी नहीं किया। मांग करना चाहते मेरी नहीं कल पूरे शहर वासियों की सारे शहर के एनजीओ की इन्हों 3 साल तो मांग है 5 साल तो मांग है कि जो थोड़े को काउसैस की रकम पई है उन्होंने बनती रकम गौशाला वालिया जारी की जाए। इतने मैं एक होर गल दसना चाहना जीरे शहर तो 2021 बीड़ सिखा वाली दे संत बोरे वाले उन्होंने गौशाला दे गौं जीरा जीरा शहर तो 180 गौशाला गौं भेजिया गई सगिया सारे समाज सेवी संस्थावां दे सहयोग नाल मेरे मंग शहर की मंग है समाज सेवी संस्थावां की मंग है उन्होंने भी गौशाला जिन्ना बनता दिता जाए तो जो जीरे शहर दियां गौशालावां हैगियां उन्होंने भी बनता काउसैस जारी किया जाए। नगर कॉन्फ्रेंस हुई है इस श्री एडवोकेट श्री तरन जट्टा वालों काउसैस उत्ते सवाल चुके गए सन। काउसैस बारे मैं दसना चाहवागा कि काउसैस साल 2016 दे विच सरकार वालों इसकी अधिसूचना जारी हुई सी जिसनों इमीजिएटली नगर कौंसल जीरा ने अडोप्ट कर लिया। इस अधिसूचना दे विच 9 कलैक्टिंग एजेंसियां बनाई गई ने जिन्हां विचों सिर्फ 4 दी कलैक्टिंग एजेंसी जिहड़ी आ नगर कौंसल जीरा है। नगर कौंसल जीरा कोलों अपने एफर्ट्स अते सरकार वल्लों मिले पैसे अनुसार इस वेले HDFC बैंक जीरा दे खाते 29,74,510 रुपए जमा ने। इस पैसे नूं किस तरह डिसबर्स करना उहदे बारे भी सरकार दीआं हदायतां ने। सरकार दीआं हदायतां अनुसार इस पैसे नूं केवल सरकारी गौशाला जां होर प्राइवेट गौशालावां जिहड़ियां कि इह कमिटमेंट करन कि इह पैसा केवल गऊ धन आवारा गऊआं नूं फड़ के उहनां दी उहनां वास्ते ही वरत्या जाएगा। इस संबंधी प्रधान जी ने पिछे जे पिछले हफ्ते ही शहर दीआं समूह गौशालावां NGOs ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਕਲੈਕਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 9 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਦੀ ਕਲੈਕਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਾਲਟਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ 3-3 ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। 14/6/2023 ਨੂੰ ਹੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 133 ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਜਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ।